ऑन ब्यूटिफुल लाइफ एंड वी हैव ब्यूटिफुल बैंड टुडे जिसका नाम है सुरीला फटीचर. जी हाँ, तो जनाब कैसा चल रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? हाउ यू फीलिंग? बहुत अच्छा जा रहा है. और नहीं, जरूरी नहीं अच्छा कहने की. नहीं नहीं अच्छा, मैंने जबरदस्ती नहीं कहा. देखो, मैंने ब्रेक से पहले कुछ नहीं कहा था, लिहाजा आपको जो कुछ भी कहना है खुले दिल के साथ कह सकते हैं. खुले दिल से ही कह रहे हैं. मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने नहीं सोचा था कि हम इतना आगे आ पाएंगे, मतलब इतना रिस्पांस मिलेगा. चलो ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं, फिर उनसे बात करके आपसे दोबारा बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज ऊंचा बोलिएगा. जी अब सही है? जी जी जी. तो मैं बैंड से बात करना चाहूंगा. अच्छा, मेरे से नहीं बात करनी? नहीं करेंगे. अच्छा, बाद में करेंगे. दो कॉल हो चुकी है, वो डायरेक्टली बैंड से बात करना चाहते हैं, मेरे से बात कोई करना ही नहीं. नहीं, आपसे कर लेंगे. एक्चुअली मैं पिछले 5 मिनट से होल्ड पे ही हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कर लें कर लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरे भाइयों, पहचाना? नहीं यार, फिर से बोलो. कम ऑन यार, ऐसा मत. तैमूर? नहीं नहीं यार, चंदन पहचान लेता है. तैमूर तैमूर. क्या है तैमूर? अल्लाह का करम है यार, ऑसम जॉब. बहुत आला गा रहे हो हमेशा से, तुम्हें पता है तुम्हारा फैन रहा हूँ. ये याद रखना, अगले 4 में भी रॉक ऑन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सुरीला फटीचर रॉक. आई एम ऑलवेज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर कॉलिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी, तो ये आपके मतलब हिज फ्रेंड. चलो गुड, फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना चाहिए, यू नो, अपने फ्रेंड्स. ये बहुत दूर का फ्रेंड है नवाब शाह का. अच्छा, वहाँ से कॉल कर रहे हैं? वाह वाह वाह. एक्चुअली नवाब शाह में हम लोगों का टूर हुआ था बैंड का. अच्छा अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने प्ले किया था कॉन्सर्ट में. सही. गाना ज्यादा आसान लगता है या इंटरव्यू देना? इंटरव्यू देना दोनों चीज आसान है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं, एज कम्पेयर टू आसान. देखो, आसान गाना बात करो ना, नेचुरल होकर बात करोगे तो ज्यादा अच्छा. नहीं नहीं, हमें सही बता. आसान गाना गाना है, इंटरव्यू देना मुश्किल है थोड़ा. वेरी गुड, बिल्कुल ये सही जवाब दिया. बिल्कुल सही जवाब. इंटरव्यू देना मुश्किल है. इंटरव्यू देना मुश्किल है और गाना गाना आसान है, क्योंकि जो गाना होता है ना वो आप जैसे भी गा लें एंड यू आर गुड एट इट. लेकिन इंटरव्यू देना इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई आई विल टेल यू, बिकॉज मैं जिस सीट पर बैठी हूँ और आप जिस सीट पर बैठे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी शार्प. ठीक है कि मैं अभी कौन सा क्वेश्चन करने वाली हूँ, एंड विदाउट एनी यू नो गैप आपको फौरन से उसका आंसर देना पड़ता है. सो आई थिंक दिस प्लेस इज वेरी डिफिकल्ट टू बेयर. एक्चुअली नॉट मच डिफिकल्ट फॉर मी. आदत हो गई अब तो सेलिब्रिटीज. हाँ, यार कोई मसला ही नहीं, हम तो 10,000. नहीं वैसे नहीं, नहीं वो मसला नहीं, लेकिन लेकिन बात है कि अक्सर लोग मिलते रहते हैं कॉन्सर्ट में, भी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यार. चलो बातचीत होगी, हम ऐसे कॉलर हैं. हेलो. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. प्लीज ऊंचा कहिएगा जो भी कह रही हैं आप. और कौन बात कर रहे हैं? मैं उम्मीद फरवा बात कर रही हूँ. ओके फरवा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ. कराची से बात कर रही हैं, क्या हो रहा था? जी नथिंग, कुछ भी नहीं. मुझे आमिर जमाल से बात करवानी. जी जी प्लीज, एट योर सर्विस. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मी फाइन. मैंने आप यू नो आप बिकना स्कूल में लाइव कॉन्सर्ट करने आए थे. जी 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 जी. मैंने आपको वहाँ पे लाइव सुना था. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आमिर जमाल, यू नो आप मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप कब, आप बहुत सारे कॉन्सर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप बिकन हाउस दोबारा कब आएंगे? इंशाल्लाह सून, बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह. और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. और भी मेंबर्स हैं मेरे बैंड मेंबर्स, विशाल एंड चंदन, उनसे भी बात कर लें. जी है. आपकी दादा जी, नहीं, जी मना कर दिया उन्होंने. जी नहीं कह दिया. जी नहीं. हेलो. हाँ जी जी, विशाल चंदन से बात करवा दे. जी जी बात कर रहे हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है मुझे. हमें भी बहुत खुशी हो रही है. रियली मुझे यहाँ पर नीचे मुंह करके, खुशी कैसी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सुरीला फटीचर के बैंड. चलो ठीक है ठीक है गर्ल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग, बाय बाय. जी तो फिर जनाब कैसा कैसा क्या लग रहा? अच्छा लग रहा. खुशी हो रही है कि एटलीस्ट स्कूल्स, ये जो जिस गिग की बात कर रही, वो एक स्कूल में था. ठीक है, आई थिंक वी कैन ऑफ जुबली कैंपस. सही. तो वो बहुत अच्छा शो था, एक चैरिटी के लिए करवाया था, बहुत से बैंड से और क्राउड काफी अच्छा था वहां का. अच्छा था, बहुत मजा आया. अच्छा मुझे ये बताओ, मूवीज देखते हो? मूवीज? हां हां. कौन सी देखते हो, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जो अच्छी लग जाए? फिर भी मोस्टली तो अच्छा लगने का क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है. आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा. हाँ, तो फिर अच्छी की डेफिनेशन जरा बताएं. अच्छी कौन सी लगती है? कॉमिक मूवीज. कॉमिक मूवीज. और आपको? मुझे? हाँ हाँ, बस जो फिल्म अच्छी लगती है,
खास तौर पे, मतलब खास तौर पे मैं वो ही मूवीज देखता हूँ जो जिसमें कास्टिंग मेरी फेवरेट हो, वरना नहीं देखता। अच्छा, और आप चंदन? कॉमिक मूवीज। कॉमिक मूवीज। अच्छा, हाल ही में एक मूवी आई थी बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में, उसने जो है एक क्या कहेंगे एक नई विंड ब्लो हुई थी ट्वाइलाइट सागा के नाम से, अगर आपने सुना हो। ठीक है, ट्वाइलाइट की सीरीज थी तीन, सबसे पहले थी ट्वाइलाइट, फिर उसके बाद द न्यू मून, उसके बाद एक्लिप्स, और अभी इसी साल के एंड में रिलीज होगी द ब्रेकिंग डॉन। द ब्रेकिंग डॉन जो है वो उसी राइटर ने लिखी है जिन्होंने पिछली थ्री जो है इसकी सीरीज का हिस्सा लिखा है, जिसका नाम है स्टेफनी मायर। स्टेफनी मायर इज एन अमेजिंग राइटर, और यकीन माने मैं कहती थी कि ये क्या आजकल बच्चे बच्चियों को हो गया है, ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट, हर लड़की बेला, हर लड़का एडवर्ड, तो ये क्या क्रेज है। लेकिन यकीन माने जब मैंने ये बुक पढ़ी और कल रात को जब वो बुक खत्म हो गई, ब्रेकिंग डॉन, इट वॉज एक्चुअली ऑसम। जो वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए थे, जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हुई हुई थी, यू डिडंट हैव दैट मच, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी किसी चीज को इमेजिन करने के लिए, वो बस आती थी, और बहुत खूबसूरत, मतलब ब्रिलियंट। अब इस मूवी ब्रेकिंग डॉन में क्या होने वाला है कि एडवर्ड और बेला की शादी हो जाती है, और बेचारे जेकब जो हैं वो शक्ल देखते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो बेला के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो थ्रू आउट द फिल्म उनके साथ ही रहते हैं। बेला और एडवर्ड की जो है एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है रेनेसमी। इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर फिल्म देखने कौन जाएगा, लिहाजा अभी आप जाकर इस फिल्म का प्रोमो देखें, इंजॉय करें, और मुझे बताना कॉल करके कि आपको कैसा लगा। It's not how I wrote it, it's not what I planned. Part of our dream, snatched from my hand. Fate's unfair circus, I don't understand. The hourglass takes a last grain of sand. And I try to tell you how I really am. I love you forever, again and again. My world imploded just with one look. My heart is complete. You kiss, kiss by the fight for our love, chastised for our sins, punished for something so pure and so true. I take on the world to be close to you, and I try to tell you how I really am. I love you forever, again. Again and again, my world imploded just with one look. My heart is complete, 'cause you kiss, kiss by the book. So did you guys watch it? अच्छा लगा ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रॉबर्ट पैटिनसन। वो कौन भाई, एडवर्ड कॉलिन, और कौन, जबरदस्त किस्म के इसमें जो है शॉट्स हैं, सीन्स हैं, और मजे की बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में रिलीज होगी 3D में, तो जब हम इस फिल्म को देखेंगे तो वाह जी वाह, क्या मजा आने वाला है। सो क्या मूड है आप सबका? अब दूसरा गाना कुछ बजाते हैं, कुछ तफरी। श्योर, सजाद अली का सॉन्ग है। ओके, ओल्ड सॉन्ग। व्हिच सॉन्ग?
बेबिया. ओके ओके डेडिकेटेड टू यू. थैंक यू. सो शुड वी स्टार्ट? या na 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 किसी के कहने में नाना मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना सारे जहाँ को है बताना. ओ बेबी बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी. ओ बेबिया बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी. आके बहुत तड़प आएगी आंख तेरी भर आएगी. ओ बेबी बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती. ओ बेबिया बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी. Actually, you guys gave it a different kind of a tone, you know? Yes, it's actually improvised to rock music. Okay. तो वो जब plugged guitar होते हैं, distortions होते हैं, वो जो पूरा जो effects होते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है. नहीं नहीं, very nice, very very nice. Thank you very much. हम साथ एक caller उनसे बात करते हैं, and I hope इस दफ़ा वो मुझसे बात कर ले. Hello. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैं रबिया बात कर रही हूँ. रजिया कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से. रजिया कराची से बात कर रही हैं. जनाब क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे ही बात करूंगी. अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआ सुन ली किसी ने तो मुझसे बात की. जी 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 बताएं. तो रजिया बताओ क्या हो रहा था? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप ये मुझे बताएं कि आप क्या कर रही थी रजिया? मैं कुछ नहीं कर रही थी. कुछ भी नहीं कर रही थी? हेलो हेलो. जी जी रजिया स्कूल जाती है? नहीं, मैं कॉलेज जाती हूँ, बीकॉम कर रही हूँ. ओके बीकॉम कर रही हैं आप, मुझे ऐसा. चले शो देखा आपने अब तक, कैसा लगा? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. सबसे अच्छी चीज क्या लगी शो में? गाने अच्छे लगे. सारे अच्छे लगे, यानी कि एक दो तीन हम चारों अच्छे लगे. वो जो इनका खुद का एल्बम था ना, वो अच्छा था. अच्छा अच्छा, इनका खुद का जो बजाया हुआ नंबर था वो आपको ज्यादा अच्छा लगा? जी. ठीक है रजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. टेक केयर, कीप वॉचिंग ब्यूटीफुल लाइफ. ठीक है, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी तो जनाब, ये तो थी रजिया जिन्हें आपका गाना बहुत अच्छा लगा. ठीक है, आपसे मजीद और हम गाने वाने सुनेंगे यहाँ पर, लेकिन लेना है एक ब्रेक, तो मैं आपसे मिलूंगी इस ब्रेक के बाद.